राधा रानी कौन है, विश्व में इन्हें गिने लोग जानते हैं, महापुरुषों को छोड़कर अथवा किसी महापुरुष के द्वारा जिसको तत्व ज्ञान कराया गया हो, राधा रानी का तत्व समझाया गया हो, उसको छोड़कर और कोई नहीं जानता। अधिकांश लोग तो नाम भी नहीं जानते, और जो जानते भी हैं वो ऐसा जानते हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, क्योंकि ये सुनने में आता है राधे श्याम, ये शब्द तो लोग सुनते ही है। तो जैसे सीताराम, तो सीताराम की अर्धांगिनी है, उमापति जैसे पार्वती शंकर जी की धर्म पत्नी है, रमापति जैसे रमा विष्णु की पत्नी है, ऐसे लोग समझते हैं कि राधा भी श्री कृष्ण की पत्नी है। ऐसा नहीं, पहले समझो श्री कृष्ण कौन है। कृष्णो हवै हरि परमो देवः सर्वविधैश्वर्य परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनाधिनाथः स एक एवेश्वरः तस्य हवै द्वेतनुर्नारायणो खिल ब्रह्मांडाधिपति रेकोंशः प्रकृते प्राचीनो नित्यः तस्य शक्तय स्वनेकधा लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्या तास्वाल्लादिनी बरीयसी परमांतरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। वेद कह रहा है, संक्षेप में यो समझ लो, श्री कृष्ण जिसकी भक्ति करते हो, कृष्णेन आराध्यते, जिसकी आराधना कर रहे हो श्री कृष्ण, वो राधा है। फिर वेद कहता है, यस्या रेणुं पादयोर् विश्वभर्ता धरते मूर्धनि यस्या अंके विलुंठन कृष्णदेवो नैव सस्मार गोलोकाख्यम धाम पदम सांशा कमला शैलपुत्री ताम शक्तिधात्रीं राधिकां नमामः। वेद कह रहा है, जिसकी चरण धूलि को विश्वंभर श्री कृष्ण अपने सिर पर रखते हो और जिसकी गोद में लेटकर अपने गोलोक को भूल जाते हो, ऐसी आराध्या तत्व का नाम राधा रानी है। और हमारे वेद व्यास भी पुराणों में कहते हैं, राधैवाराध्यते मया, श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं राधा की आराधना करता हूं। स्कंद पुराण भी कहता है,
आत्मा तू राधिका तस्य, श्री कृष्ण की आत्मा है राधा। जैसे आपकी आत्मा है जीव और बाकी शरीर उसके दास हैं, ऐसे परमात्मा की आत्मा राधा है, परमात्मा उनके दास हैं। यस्यैक निश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्त लोम बिलजा जगदंडनाथा, विष्णुर्महान सह्यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता पांचवें अध्याय का 48वां श्लोक। जिसके श्वास से महाविष्णु का जीवन नापा जाता है, श्री कृष्ण के एक श्वास का मतलब महाविष्णु का पूरा जीवन। महाविष्णु विष्णुर्महान सह्यस्य कला विशेषो, वो एक कला है, अंश है महाविष्णु श्री कृष्ण के। कारणार्णव साई उनको कहते हैं, महाविष्णु को कारणार्णव साई के अंश है गर्भोदशाई महाविष्णु, गर्भोदशाई के अंश है क्षीरोदशाई महाविष्णु, और क्षीरोदशाई के अंश है अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर। अनंत कोटि ब्रह्मा है, अनंत कोटि विष्णु है, अनंत कोटि शंकर है। ये विष्णु शब्द जो है उसका अर्थ होता है पालक। तो पालक एक ब्रह्मांड के नायक को भी कहते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को भी कहते हैं, और श्री कृष्ण को भी विष्णु कहते हैं। ये महाविष्णु चार भुजा वालों को कहते हैं। आप लोगों ने फोटो वोटो में देखे होंगे शंख चक्र गदा पद्म, चार भुजा वाले, और श्री कृष्ण दो भुजा वाले हैं ना, दुभिजम ज्ञान मुद्राढ़ वनमालिनमीश्वरम, वेद कहता है दो भुजा वाले श्री कृष्ण है। तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम, वेद कहता है वो सच्चिदानंद ब्रह्म है श्री कृष्ण। एको बशी सर्वगा कृष्ण ईड्य, वेद कहता है एको पिसन जो बहुधा विभाद, वेद कहता है। वेद में पूछा गया कह परमो देवा, सुप्रीम पावर कौन है, अंतिम पराशक्ति कौन है, अकस्मान मृत्यु विभेद, किसके डर से मृत्यु डरता है, अकस्य ज्ञाने नाखिलम तज्ज्ञानम भवति,
किस एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, वो कौन है? तो उत्तर दिया गया, कृष्णो हवई परमई परमम दैवतम। वो श्री कृष्ण नाम का परम तत्व है। गोविंदान मृत्युर्विभेति, गोविंद से मृत्यु कांपता है। और गोपी जन बल्लभ ज्ञाने नाखिलम ज्ञानम भवत, और श्री कृष्ण को जान ले तो सब का ज्ञान अपने आप हो जाता है। वो श्री कृष्ण है, उनकी आराध्या है राधा। ब्रह्मा राधा के बारे में कहता है वेद में, राधा वही सर्वेश्वरी महिमास्या स्वायुर्माने नापि काले न वक्तुम न चोत्सहे। राधा सबकी स्वामिनी है, उनकी महिमा को ब्रह्मा कहता है मैं अपनी पूरी आयु में भी आंशिक रूप में नहीं बता सकता, ऐसी महिमा है। ब्रह्मा की कितनी बड़ी उम्र होती है, खरबों वर्ष। तैतालीस लाख बीस हजार वर्ष का चार युग, 71 बार चार युग बीत जाए तो एक मन्वंतर, 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष का एक मन्वंतर, 14 मन्वंतर बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन, उसको कल्प कहते हैं। उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष। राधा रानी के बारे में राधा रानी भी नहीं बता सकती, दूसरा कौन बताएगा? इतना समझ लीजिए कि जिसको वेद अंतिम परम तत्व कहता है, कृष्ण एव परो देवस्तम ध्यायेत तम रसयेत तम भजेत, वे श्री कृष्ण भी राधा रानी की उपासना करते हैं, वो राधा रानी है। अर्धांगिनी तो उनकी महालक्ष्मी है, वो बिचारी तो गोपियों का मुकाबला नहीं कर सकती। ध्यान दो, भागवत कहती है, नायं श्रियोंग उनितांतरते प्रसादा स्वर्योषितां नलिन गंधरुचां कुतोन्या रासोत्सवेश्च भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषां यौदगाद ब्रज सुंदरीणाम। ब्रज गोपियों को जो रस दिया श्री कृष्ण ने, वो नायम श्रीयोंग श्री लक्ष्मी को नहीं मिला। स्वर्ग की अप्सराओं को क्या मिलेगा, उनकी बिचारियों की क्या हैसियत है? यद्वांछया श्रीर ललन चरत्तपो विहाय कामान सुचिरं धृतव्रता। भागवत
महालक्ष्मी ने तो बहुत तप किया, लेकिन आज भी उनका बेलवन में मंदिर है, ब्रज में प्रवेश तक नहीं। श्री कृष्ण के हृदय में रहती है। बाएं तरफ और दाहिने तरफ श्री वत्स और बीच में भृगु का पद, लेकिन ब्रज गोपियों के बराबर भी उनको ब्रज रस नहीं मिला। उन्हीं की अवतार है द्वारिका में रुक्मिणी, वे समंजसा रति वाली हैं, जिनको अनुराग भक्ति तक प्राप्त हुई, महाभाव भक्ति प्राप्त नहीं हुई, इत्यादि बड़ी बड़ी बातें आप लोग अभी मत समझिए, मोटी सी बात समझ लीजिए कि राधा रानी श्री कृष्ण की आराध्या है। और नीचे अगर आ जाओ तो श्री कृष्ण ही राधा बन गए हैं। ये यम राधा यश्च कृष्णो रसाब्दिर देहे नैकहा क्रीडनार्थम द्विधा भूत, लीला के लिए दो बन गए, अपने आप को राधा बना दिया और एक स्वयं श्री कृष्ण बने रहे। तस्मादेकाकी न रमते सद्वितीय मैक्षत, बृहदारण्यकोपनिषद पहले अध्याय के चौथे ब्राह्मण का तीसरा मंत्र। तो उनको या तो यही मान लो कि श्री कृष्ण ही राधा बन गए, स्त्री होने का सवाल ही नहीं, और या तो फिर लीला में वो उपासना करते हैं, इसलिए राधा रानी उनकी आराध्य है, ऐसी है राधा रानी। बोलिए राधे रानी की।